पाकिस्तान को ये जहाज मिलने वाले हैं। और फाइनली इसका जो पहला बैच था वो पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स यानी कामरा जो एयरबेस है पाकिस्तान एयरफोर्स का, वहां पे ये जहाज पाकिस्तान एयरफोर्स को ऑफिशियली अब ज्वाइन कर चुके हैं। इंडिया को एक मैसेज है कि राफेल के मुकाबले के लिए वैसे तो हमारे बाकी जहाज और GF-17 थंडर भी काफी हैं। खान साहब बैठे हुए जहाज में और हमारे एयर चीफ और बाजवा साहब जो है और दूसरी साइड पे एक और जो पायलट हैं वो उनको ब्रीफिंग दे रहे हैं। पता नहीं खान साहब तो मेरी तरह शायद पहली दफा बैठे होंगे। इसके जैसे ही राफेल हिंदुस्तान ने खरीदा, चाइनीज मेड जहाज है, चाइना ने इसको बनाया, 400 लेता है पाकिस्तान, फौरन उन्हें बताता है कि हमें पता है तुमने कहां लगाया ये। जो एक डिसबैलेंस क्रिएट हुआ पाकिस्तानी एयरफोर्स और इंडियन एयरफोर्स के बीच में। इमरान खान साहब ने कहा कि हमने टैक्स बहुत ज्यादा कलेक्ट किया है तो इस वजह से हम आवाम के ऊपर भी लगाएंगे और अपने डिफेंस के ऊपर। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान में आजकल खौफ का माहौल चल रहा है। ये माहौल भारत की उस मिसाइल की वजह से बना हुआ है जिसने पाकिस्तान के 125 किलोमीटर अंदर घुसकर पाकिस्तान के एयरपेस की पोल खोलकर रख दी थी। पाकिस्तान को 24 घंटे से ज़्यादा समय लग गया था कि मिसाइल भारत की तरफ से आई है। अब पाकिस्तान ने चाइनीज़ मेड J-10C फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदे हैं और पाकिस्तान मीडिया इन जहाज़ों को भारत के राफेल जहाज़ों से कंपेयर करके करने लगा है। अब इनको कौन बताएं कि चाइनीज़ J-10 कहीं भी भारत के राफेल के सामने नहीं ठहरते हैं। वहीं पर राफेल एयरक्राफ्ट में भारत की जरूरत के हिसाब से बदलाव किए गए हैं। राफेल इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के मामले में दुनिया का सबसे अच्छे जहाज़ों में शामिल है, वहीं पर J-10 कहीं पर भी इसके सामने नहीं टिकता है। राफेल 4.5 जनरेशन का जहाज़ है। पाकिस्तान अपने J-10 को 5वीं पीढ़ी का जहाज़ बताता है। इनका जहाज़ दुनिया के किसी भी फाइटर प्लेन को ध्वस्त कर सकता है। तो चलिए आगे इस वीडियो में देखते हैं। पाकिस्तान ने राफेल के मुकाबले में, जैसे शेख रशीद ने भी ऐलान किया था, जो J-10C का एलीट फाइटर तैयारों का स्क्वाड्रन हासिल कर लिया। पाकिस्तान ने चीन के चेंगडू एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन CAC के तैयार करदा 25 मल्टी रोल J-10C लड़ाका तैयारों का मुकम्मल स्क्वाड्रन हासिल कर लिया है। लड़ाका तैयारे 23 मार्च को पाकिस्तान की सालाना फौजी परेड में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान ने ये तैयारे हासिल कर लिए हैं, जो इंडिया को एक मैसेज है कि राफेल के मुकाबले के लिए वैसे तो हमारे बाकी जहाज और GF-17 थंडर भी काफ़ी हैं, लेकिन हम गाफिल नहीं हैं, हम मजीद अपने दिफा को मजबूत बनाएंगे। इसकी खूबी यह है इस जहाज़ की, और आपको पता है कि पाकिस्तान चाइना के साथ जितने भी इस तरह के मामलात करता है कि हम कॉस्ट को भी देखते हैं, मिनिमम रखते हैं कॉस्ट को भी। अगर राफेल $100 मिलियन से ज़्यादा होगा तो ये $25-30 मिलियन का होगा। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, इतना प्राइस डिफरेंस होगा। यही हाल है GF-17 थंडर का भी, प्राइस डिफरेंस इतना है कि पाकिस्तान कॉस्ट को कम रख के भी नंबर्स बराबर रखने में कामयाब हो जाएगा। और फिर जब दो जहाज बराबर के सामने आते हैं तो पायलट की जो एबिलिटी होती है, कैपेबिलिटी होती है, ट्रेनिंग होती है, उसका कॉन्फिडेंस जो होता है। अभिनंदन को हमने ही चाय पिला के भेजा था और हमारे जहाज़ों ने Su-30 MKI भी गिराया था। ये रशिया का बड़ा एडवांस जहाज है जो इंडिया इस्तेमाल करता है, Su-30। बहुत पुरानी बात, मतलब उसके बाद 1971 की जंग हुई और बांग्लादेश हमसे जो है वो अलग हुआ, और पाकिस्तान एयरफोर्स का नो डाउट कि वहां पर भी एक बहुत बड़ा रोल था। खैर, JF-10 जो है हमारे पास आ चुके हैं और ये कहा जा रहा है कि यार ये राफेल जो जहाज है, लाजमी सी बात है, हर मुल्क की अपनी टेक्निक्स होती हैं, अपनी रिसर्च होती है और अपने तरीके से वो चीज़ों को बनाते हैं। हम ये नहीं कहते कि ये हू बहू या राफेल से जी बहुत ही मतलब आगे की चीज़ है, जिस तरह F-35 को कहा जाता है कि दुनिया का शायद सबसे माना हुआ जेट फाइटर है, लेकिन मतलब कुछ चीजों में ऊंचा है, कुछ चीजों में नीचे है। स्पीड के हवाले से एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इसकी स्पीड उससे ज्यादा है, लेकिन बाकी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो उस जहाज की बहुत अच्छी हैं। J-10C 2 से 3 महीने पहले मेरी वो वीडियो भी आपको याद होगी जब मैंने इसके हवाले से बात की थी कि पाकिस्तान को ये जहाज मिलने वाले हैं। और फाइनली इसका जो पहला बैच था
वो पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स यानी कामरा जो एयरबेस है पाकिस्तान एयरफोर्स का, वहां पे ये जहाज पाकिस्तान एयरफोर्स को ऑफिशियली अब ज्वाइन कर चुके हैं, क्योंकि न्यूज का हिस्सा है तो मैं वो लगा रहा हूँ। खान साहब बैठे हुए हैं जहाज में और हमारे एयर चीफ और बाजवा साहब जो है, और दूसरी साइड पे एक और जो पायलट है वो उनको ब्रीफिंग दे रहे हैं। पता नहीं, खान साहब तो मेरी तरह शायद पहली दफा बैठे होंगे इसके कॉकपिट में, और हमें क्या पता यार कि जहाज और जेट फाइटर भैया वो पता नहीं किस तरीके से चलता है या क्या सिस्टम होता है उसका। कि जैसे ही राफेल हिंदुस्तान ने खरीदा तो उसके बाद पाकिस्तान ने भी कोशिशें की, और वैसे ये डील अब की नहीं है, ये 2005 से चलती हुई आ रही थी और बीच में से मतलब कटाई में पड़ी दो तीन दफा, लेकिन करते करते फाइनली 2022 में इसके 10 जो जहाज हैं वो हमें मिल चुके हैं, और गालिबन ये पूरे एक या दो स्क्वाड्रन्स हमने बनाने हैं, तो 45 या 50 के आसपास ये जेट फाइटर जो हैं पाकिस्तान एयरफोर्स का वो बनेंगे, हिस्सा बनेंगे। और ये जो मिराज फ्रेंच मेड जेट फाइटर रहा है पाकिस्तान एयरफोर्स का हिस्सा अब भी कुछ है, लेकिन उसको मुकम्मल तौर पे अब ग्राउंड कर दिया जाएगा और उसकी जगह इस जहाज जेफ जो जेफ कह रहा हूँ जेटन सी ने ले ली है। बात हम कर रहे हैं जेटन सी के हवाले से। जेटन सी एक जिसे कहते हैं कि चाइनीज मेड जहाज है, चाइना ने इसको बनाया, लेकिन इससे पहले मैंने इसके ऊपर एक आर्टिकल पढ़ा था, कुछ अरसा पुरानी बात है, और उसमें ये लिखा गया था कि ये जहाज अमेरिका से इसराइल, इसराइल से चाइना और चाइना से पाकिस्तान जो है ये जहाज, हालांकि उस वक्त मिला भी नहीं था, लेकिन ये आवाजें आ रही थी कि ये जहाज मिलेगा तो ये एक इसराइल का मॉडल या मेड या इस तरह की चीज बात हो रही थी कि ये जहाज जो है अब पाकिस्तान में आएगा। तो यकीनन चाइना और इसराइल के ताल्लुकात हैं, तो उस थ्रू और अमेरिका और इसराइल एक दूसरे के जिसे कहते हैं कि उनका चूली दामन का साथ जिसको कहते हैं, दोनों के बीच में है, तो जो चीज भी अमेरिका बनाता है तो तकरीबन उसका इस्तेमाल इसराइल के लिए वो देते हैं उनको, कोई भी वेपन वो बनाते हो, जहाज बनाते हो या कोई और चीज वो बनाते हो तो वो ये देते हैं। अच्छा, एक चीज दो चीजें ये हैं कि एक तो ये जहाज जो है आर्मी चीफ ने यहाँ पे हिस्सा लिया, इमरान खान साहब गए, एयर चीफ मार्शल जो है जहीर अहमद सिद्धू साहब भी वहां पे मौजूद थे, और उन्होंने कहा कि ये जो एक डिसबैलेंस क्रिएट हुआ पाकिस्तान एयरफोर्स और इंडियन एयरफोर्स के बीच में राफेल आने के बाद, तो उसको ये कवर करेगा। ठीक है सर, बिल्कुल हम मान लेते हैं, क्योंकि दुनिया में इसी तरह होता है, और अनफॉर्चुनेटली हम लोगों का, पाकिस्तान और हिंदुस्तान का हम यही है कि बीच में से यही चीज हमारी रेस लगी रही है, किसी और चीज में हमारी जिदबाजी या रेस नहीं है, लेकिन वेपन्स में हम लोग बेशक हम वही वाली बात है, पेट में हमारी रोटी हो या ना हो, लेकिन जो इसके बारे में मुझे इंफॉर्मेशन मिली इस जहाज के, तो गालिबन ये $480 मिलियन से ऊपर का ये प्रोजेक्ट है, $48 करोड़ इसमें लगे हैं और यकीनन मजीद भी लगेंगे। लेकिन खैर, अब क्या कहा जा सकता है, इमरान खान साहब ने कहा कि हमने टैक्स बहुत ज्यादा कलेक्ट किया है तो इस वजह से हम आवाम के ऊपर भी लगाएंगे और अपने डिफेंस के ऊपर भी लगाएंगे। आवाम के ऊपर तो ये लग रहा है कि हर चीज डबल से 3 times महंगी हो गई है, और बाकी रही डिफेंस की बात तो ठीक है सर, आपने उनको दे दिया, हम कौन होते हैं इतराज करने वाले। ठीक है, आप कहते हैं कि यार जो डिसबैलेंस था वो खत्म हो जाएगा इसकी वजह से। जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि इन जदीद लड़ाका तैयारों का पाकिस्तान की दिफाई फोर्स का मुस्तकिल हिस्सा बनने से पाकिस्तानी बहरिया का बहिर अरब के अंदर किरदार न सिर्फ वसी होने का इम्कान है, बल्कि इन तैयारों की बदौलत पाकिस्तान की समंदरी सरहदों का दिफा भी मजबूत हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी चीज जो इसके हवाले से मुझे पता चली है वो ये है कि ये बी लोड उठा सकते हैं, जिस तरह मेराज के हवाले से कुछ एयरफोर्स के लोगों से वैसे ही मुझे शौक है जहाज का, हालांकि मैं आपको सही बात बता दूं जेट फाइटर में मैं आज तक नहीं बैठा, मुझे बड़ा शौक है इन चीजों का, इस वजह से नहीं कि यार वो जाके किसी मुल्कों पे बमबारी करे, वैसे मुझे पसंद है और स्पीड और ये और वो सारी चीजें, तो खैर
तो इसके बारे में ये है कि एक एयरफोर्स कुछ ऑफिसर से, बहुत पुरानी बात है, उन्होंने कहा था मेराज के हवाले से कि यार ये लोड बहुत उठा सकता है, आप इसको अगर मतलब मिसाइल और ये चीजें आप ज्यादा भी लगा देंगे तो इसकी पावर इतनी है इंजन की कि ये उस वेट को कैरी कर सकता है।